नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद है बनारस के सिगरा क्षेत्र में और ये हमारे जस्ट पीछे रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। और अभी हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे काफ़ी लोगों को, बनारस की जनता को सुखता थी ये रुद्राक्ष है क्या, और हर लोग जानना चाहते थे ये कहाँ पे है। तो इसीलिए आज हम सिर्फ समाचार की टीम आई है नगर निगम क्षेत्र में, सिर्फ समाचार यहाँ मौजूद है और आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का रुद्राक्ष बना है और यहाँ क्या क्या सुविधाएँ हैं और किस किस प्रकार का ये बना है। तो चलिए चलते हैं अंदर और वहीं जानते हैं। रुद्राक्ष का निर्माण जापान द्वारा भारत जापान मैत्री को मजबूत करने के लिए जापान द्वारा किया गया है। इस कारण इस कन्वेंशन सेंटर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मौजूद हैं। इस भवन से वाराणसी की सांस्कृतिक कला जैसे संगीत और नृत्य को एक आधुनिक मंच मिला है। वाराणसी में होने के कारण इस कन्वेंशन सेंटर का आकार शिवलिंग का है। इसमें मौजूद बड़े हॉल में एक साथ 1200 लोग बैठ सकते हैं तथा 150 लोगों की क्षमता वाला एक हॉल भी है। इसके बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं ये जापानी शैली से लिया गया है। जापान के गार्डनों में आमतौर पर इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था रुद्राक्ष ही वीडियो के लिए। आप देखते रहिए सिर्फ समाचार, हम ऐसे ही वीडियो आप तक लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कैमरामैन रुद्राक्ष के साथ मैं प्रभात गुप्ता, देखते रहिए सिर्फ समाचार।